पड़ी यहाँ पे लगाई है, जिससे कि जो है डीजे को सपोर्ट और मजबूत मिल सके सपोर्ट के लिए, जैसे कि कोई भी अपना डीजे पे जाति बिरादरी का गाना ना बजाए और सबको एक चाहे उसके हाथ में, लेकिन उन बंदों से सावधान रहे जो पैसा लेते हैं बड़ी बड़ी बातें करके और फिर साउंड बजता। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित ब्लॉगर। राम राम जी भाई, सभी भाइयों को, मैं आपका भाई सुमित। तो दोस्तों, पब्लिक बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है कि भाइयों सारे डीजे वगैरह सुमित भाई दिखाओ, तो भाई हम सारे डीजे वगैरह तो दिखा ही रहे हैं और इस बार हम आपको ऐसा डीजे दिखाने वाले हैं ना जिसका भाइयों अलग ही रुतबा होने वाला है पूरी कावड़ यात्रा में, क्योंकि इस डीजे में जो है सारी टोटल ए टू जेड सामान तो नया है और प्लस इस डीजे के अंदर भाई इतना पैसा लग चुका है ना, आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा लग चुका है इस डीजे में। और बाकी डीजे का नाम हम आप सभी को बताई देते हैं, डीजे का नाम है रावण डीजे फ्रॉम मिश्रक। हमारे मोहित पंकज भाई का ये सेटअप है और मिश्रक की साइड से, ग्रेटर नोएडा की साइड से डीजे आया है और इस डीजे में जो है ट्रोले में ये बनने वाला है और लगभग ये मान लो कि अभी लोड वगैरह हो चुकी है बेस वगैरह। और हमारे मोहित भाई है, मोहित भाई से अभी पूछेंगे कि कितनी बेस वगैरह सब कुछ लोड वगैरह हुई है, उनसे सारी जानकारी वगैरह लेते हैं और आप सभी को जानकारी बताते हैं क्या क्या सामान वगैरह सब कुछ यूज वगैरह हुआ है ट्रॉले में और कब साउंड टेस्टिंग करवाएगी, सारी डेट वगैरह सब कुछ आपको लोकेशन वगैरह सब मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। आगे मोहित भाई के पास में चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों, फिलहाल आपको हम ट्रॉलर दिखाते हैं रावण डीजे फ्रॉम बिशक। और भाइयों आगे जो है ट्रस वगैरह सब कुछ लग चुकी है और ट्रस वगैरह इसलिए ज्यादा लगी क्योंकि इन पे सीआरपी वगैरह भी लगेंगी और लाइनर वगैरह भी सारे टंगेंगे। बाकी हमारे रवि भाई है, क्या हाल है रवि भाई? बढ़िया। बाकी रवि भैया, पब्लिक को बहुत ज्यादा इंतजार है रावण डीजे बिशक सुनने का कि कैसा जो है ट्रॉलर इस बार परफॉर्मेंस देने वाला है। और बाकी रवि भैया, साउंड टेस्टिंग वगैरह का प्रोग्राम कब से है, कौन सी तारीख में पब्लिक को साउंड टेस्टिंग दिखेगी? जब लगवाते कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी अगले दो तीन दिन में मार दे। कोशिश यही है कि दो दिन के अंदर साउंड टेस्टिंग वगैरह लग जाए, दो दिन में मार देगा। मौसम तो फिलहाल अच्छा है, दोपहर मतलब गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। और बाकी रवि भैया, सेटअप में अभी कितनी बेस जो है आपने लोड कर ली? 30 बेस लोड हो चुकी है। अच्छा, 30 बेस लोड होने के बाद में अभी टॉप वगैरह कब तक लग जाएंगे? वैसे कल टॉप वगैरह लेंगे। अच्छा, एक दिन में आपने बेस वगैरह लोड करी, अब अगले दिन आप टॉप वगैरह सब लोड करोगे और लाइनर वगैरह भी देखने के लिए मिलने वाले हैं इस बार। चीजें मिलेगी देखो। हाँ जी, बड़े बड़े धुरंधर इस मेले में, हम तो हमारा डीजे वाला तो दूसरी बार आ रहा है। बिल्कुल, भोले बाबा की इच्छा। हाँ जी, जो भी करवा दे सभी के साथ बढ़िया हो। और जैसे हमारे डीजे वाले मोहित भाई ने मेहनत करी, हाँ जी मैंने सबने मेहनत करी, सभी लड़कों ने, लाइट वालों ने भी उसी तरीके का भगवान आशीर्वाद दे। और बिल्कुल। और रवि भैया, जो ट्रोले हैं देख रहा हूँ मैं, जैसे कि एक ट्रोला ये खड़ा हुआ, ये वाला दूसरा वाला ट्रोला आया हुआ है, तो आपके जो दो ट्रोले हैं दूसरे वाले ट्रोले में, मतलब इसमें खाली ये खाली चलेगा? तीन ट्रोले, एक में जनरेटर लोड है, एक में जनरेटर लोड है, एक भैया में ये डीजल लोड हो गया। अच्छा, एक भैया में अपना सोने की व्यवस्था बनेगी इस पर। अच्छा, सोने वगैरह की व्यवस्था सब इस पे बनेगी। गाड़ी हमारी चलेगी जो एक्स्ट्रा माल लेके चलेगी, एक्स्ट्रा सामान वगैरह। एक गाड़ी जो हमारी टाटा चलेगी वो खाने का सामान लेके चलेगी, खाने पीने का सामान वो सब लेके चलेगी टाटा वगैरह। अच्छा, और बाकी सीआरपी वगैरह लगभग कितने आपके साइड पे लगने वाली है? जो लाइटिंग तो हमारे पे हल्की है क्योंकि सामान आवाज का और बेस का ही ज्यादा लगाएंगे। आवाज और बेस, साउंड में मतलब आपने ज्यादा फोकस करा है, लाइटिंग वगैरह फिर भी सीआरपी वगैरह कितनी आपने बुक करी है? हम अपना जो जगह मिलेगी तो लगा देगा ना, तो ये है कि 20 सीआरपी के अंदर अंदर, 20 सीआरपी के अंदर अंदर मतलब लगाओगे लाइटिंग वगैरह में। बाकी वही फैन वगैरह ये सब ब्लेंडर वगैरह वो नॉर्मल है। बिल्कुल, यही सीन है। और बाकी मोहित भाई भी सभी लगा रहे हैं। हाँ जी, सबके पास जैसा माल है, जिसका कोई मान के लगाओ, कोई चाहे अपना लगाओ। बिल्कुल, सबका अपना अच्छा माल है। बहुत से डीजे वालों के ऐसे भी हम माल बिकाऊ तो लेकिन बिक नहीं पाया, फिर आज की डेट में हमने देखा कि वो डीजे पे लग रही है चीजें जो बिकाऊ थी। हाँ जी, तो पर कोई बात नहीं, आप बिक जाओगी मेले के बाद, बढ़िया बढ़िया। तो डीजे बिल्कुल। रवि भैया, जैसे कि ट्रस वगैरह देख रहे हैं कि ट्रस वगैरह जो है एक तरफ में मतलब दो दो लगी पड़ी, ज्यादा सी ट्रस लगी पड़ी है, जिससे कि जो है डीजे को सपोर्ट और मजबूत मिल सके सपोर्ट के लिए। अच्छा, नहीं मैंने सोचा ही क्या नाम है, क्या पता इनके ऊपर भी लाइटिंग वगैरह लगती हो सीआरपी वगैरह। इस पे जो है ना चक्कर क्या है, ट्रस पे भी हम कॉलम वगैरह बहुत ज्यादा टांगेंगे तो इस वजह से ये सपोर्ट है कि गिरे ना। अच्छा, तो इस हिसाब से मतलब कॉलम वगैरह टॉप वगैरह सब टांगेंगे तो गैप देके बीच में तब लगा रखे, ट्रस इस तरीके से लगाई गई है, सपोर्ट ज्यादा दी गई है। बिल्कुल। और बाकी सामान वगैरह तो ये सब लोडिंग की कली मतलब दिखेगी, क्लिप वगैरह जो भी है।
अब आया हूँ मैं, शिवम चला गया सोने। शिवम भाई भी हाँ वो सो रहा है रूम में। ये भाई आए अपने कंकरगेड़े से, कंकरगेड़ा से भाई आए हैं बिल्कुल। कसाना टीम के साथ जाते थे लेकिन अब की बार अपने भाई के साथ आए। अच्छा अब की बार आपके साथ में। सबसे पहले अरी साउंड आता है कुशाक्ष नगर का, उसके साथ आए थे हम 2015 में। फिर कसाना आ रहा था 2017, 2018, 2019, 2020। फिर दो साल लॉकडाउन रहा, फिर दोबारा कसाना के साथ आए, अब आए राजू भाई के साथ। बिल्कुल रवि भैया, आने का मकसद है कि सबके दिल में होनी चाहिए बात कि जिस चीज को त्याग दो तो चीज फिर दोबारा पकड़नी चाहिए। थूक के चाटना इन लोगों को पसंद नहीं है और ना ही हमें पसंद है। हमने जो थूक दिया, चाहे घर का हो, बाहर का हो, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे कोई साउंड में हो, चाहे अपने मजे में हो, तो थूक दिया भाई। इसी तरीके से इन भाइयों का हमारे साथ बिल्कुल वही है। इन भाइयों का ही मानना यही है, थूक के चाटना नहीं है। थूक के चाटने वालों का कोई दीन ईमान नहीं होता। क्या बताऊं तुम्हें, अभी 3-4 दिन पहले कई जनों के फोन आए कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मेरे साथ जुड़े हुए लड़के 15 लड़के हो रहे हैं जो जा रहे हैं मेरे साथ। अब सबसे ये कहेगा भैया क्या दिक्कत, क्या परेशानी, मतलब क्या दिक्कत होगी तुम्हें जो इस बार हमारे साथ नहीं जा रहे। तो भैया हमारे दिल से हमारे भाई जो हमारे रिस्पेक्ट होगी भाई, मिल गए यहाँ पे। और सुनो, मैं घर से निकला था 9:10 पे, टाइम देख लो क्या हो रहा, 1 बज रहा, मैं यहीं आया हूँ। अब यहाँ पे रुकूंगा, 3 बजे यहाँ से फिर दोबारा जाऊँगा अपनी जॉब पे, जाना कल सुबह भाई। बस देखना आया था भाई, अपने हमारे भाई लगे हुए तो इनके साथ थोड़ा सा सहयोग बढ़ाने की, हम भी आए भाई। बिल्कुल भाई ने बहुत बढ़िया बात कही भाई। बाकी मैं ये भी देख रहा हूँ रवि भैया, मोहित भाई जो है वो आपके साथ में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको। भाई 4 भाई और आए हैं, चार भाई और आए हैं जो मेरे साथ आए हैं। बाकी रवि भैया, मोहित भाई भी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा दिखा रहे हैं। दिल तो है, यूट्यूब चैनल बाद में भाई है। पहले रात का टाइम दिखा दो एक बार, क्या टाइम हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है, मैं थंबनेल बना रहा था, किसी चीज का फोटो लगा रखा है। हाँ बिल्कुल, ये टाइम हो रहा है 1:22, 1:22 हो रहे भाई। देखो मोहित भाई को पूरी नींद भी आई हुई है, लेकिन फिर भी जो है जग के नहा धो के अपना आराम से डीजे में लगे पड़े। पूरी रात बाइक चलाऊंगा, फिर दोबारा 3 बजे घर जाना है, कल को फिर आएंगे आपको, फिर रवाना वापसी करना है 25 तारीख तक, ये करना है। और बाकी रवि भैया, जैसे कॉम्पिटिशन वगैरह का आपकी तरफ से क्या सीन है, किसी से तो कॉम्पिटिशन नहीं है आपका? हमारा केस नहीं, पर सब काम से सबका काम से आपका किसी से नहीं है बिल्कुल भी कंपटीशन वगैरह। जो लगाएगा अपनी तरफ से लगाएगा, आपकी तरफ से किसी से भी नहीं है, सबका वेलकम है हर तरीके से। आपकी तरफ से तो ऐसा रोड शो होगा जो किसी ने भी नहीं देखा होगा बिल्कुल एकदम। यही है कुछ अच्छा करने की हर चीज में, और मजबूत अपना डीजे रावण, असली रावण बिस्तर नोएडा का है भाई, ने बहुत मेहनत करी है। मेरी नॉलेज में देखो, मैं तो बहुत कम टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पैसा किसी ने एक कावड़ यात्रा के लिए लगाया होगा। सही में बहुत पैसा है, हमें खुद नहीं पता कि उससे कितना गुना ज्यादा पैसा इन्होंने लगाया है भैया। तो हमारी भोले भोले बाबा की कृपा ऐसी रहे हमारे भाई पे कि ये साउंड हम चाहते हैं नंबर वन आए, अपने लिए नहीं, हम चाहते हैं कि ये साउंड हमारे मोहित भाई रावण वालों के लिए जाए, जिन्होंने पिछले 2 महीने से दिन रात एक करके मेहनत करके सब तैयारी करी है। उसके साथ हमारी लाइटिंग गुरु लाइटिंग अभिषेक गौतम, मेरा भाई छोटा बहुत, कौन सी जगह से लाइटिंग है आपकी? से लाइटिंग है, मैं चाहता हूँ उसकी भी लाइट नंबर वन आए उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी है जी तोड़। बिल्कुल अपनी उम्र से ज्यादा उसने एक अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, जितनी उसकी उम्र थी उससे कहीं ज्यादा रिस्क लिया। तो मैं ही चाहता हूँ इनकी मेहनत रंग लाए, अगर इनकी मेहनत रंग लाएगी तो हमारी मेहनत तो ऑटोमेटिक रंग लाएगी। बिल्कुल, तो यही चाहता हूँ, बढ़िया पूरा मजा आए, फुल मजा ले गए हम यहाँ से लेके मेरे तक, फुल एंजॉय। बिल्कुल, अब तो रात में नींद भी नहीं आएगी आपको सोच सोच के कि क्या नाम है। अब भी आ रही है, पर ये है कि ये छोड़े ही जाते लटके यहाँ पे। बिल्कुल, जो अपना विश्वास होता है वो अपने ऊपर ही होता है कि विश्वास वगैरह कि हम ही देख सकते हैं। आदत है कि अगर कोई काम कर रहा हो तो मैं उसे देखता रहता हूँ, एक तो उससे एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल, कोई चीज अगर कोई गलत कर रहा हो मुझे जो समझना हो, दूसरा साथ खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, साथ खड़े हो आप, बिल्कुल मोहित भाई के रहता है। हाँ जी, यहाँ साथ खड़े हैं आप एक तरीके से। ये मोहित भाई ने शुरू से आपको ये नहीं समझा कि ये हमारे पार्टी वाले हैं, उन्होंने एकदम बिल्कुल भाई की तरह समझा। बिल्कुल, बिल्कुल घर जैसा हमारा नाता है, डीजे पड़े ना बीच में लायो हम, लेकिन घर जैसा नाता है। मोहित भाई ने जो हमसे कमिटमेंट कही थी कि पहली बार भी तुम्हारे साथ भी आऊंगा और दूसरी बार भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो हमारे साथ गए। मोहित भाई तीसरी बार भी हमारे साथ आए। पहली बार मुझे याद है, बिल्कुल पहली बार 2018 में बेस भी लगी थी, ट्रैक्टर बेस में 2018 में भाई हम कसाना लाए थे। 2018 से आपने मतलब मोहित भाई के साथ में भाईचारा हुआ था। 2016 से हमारी मोहित भाई से
अच्छी बातचीत है और हमने जिससे दिल से प्यार जिससे हमने प्यार करा तो प्यार करा, जिससे यारी करी दिल से करी, जिससे दुश्मनी करी वो भी दिल से करी। बिल्कुल, तो इस बात को और अब वक्त है ऑफलाइन कुछ दिखाने का। बिल्कुल, और बाकी रवि भैया दो मोहित आपके साथ है, तो दो मोहित आपके साथ है, तो एक मोहित भाई ये रहे, दूसरे मोहित भाई वो रहे। बहुत भाई अपने साथ, सब भाई है, सभी भाइयों का प्यार, सभी भाइयों का प्यार है। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी टीम का, हमारे डीजे का, हमारी लाइटिंग वाले का, हमारे गौरव भैया कावड़ का, हमारी सभी सिख भक्तों का उत्साह बढ़ाए आए और सभी आनंद ले। बिल्कुल, और सभी रास्ते में अपना फुल मजा ले। सब डीजे जितने भी आए हुए हैं, ये हमने अपने मजे के लिए नहीं, ये हमने जो है आप सभी भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए, इंजॉयमेंट के लिए करे। आप हमारा साथ दोगे तो यात्रा ऐसे ही बनी रहेगी, और अगर आप बीच में गड़बड़ करोगे तो यात्रा कहीं ना कहीं छोटी हो जाएगी और ये डीजे सेटअप भी आने बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जात बिरादरी वाला सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं यही प्रार्थना करता हूँ सब डीजे वाले से कि कोई भी अपना डीजे पे जाति बिरादरी का गाना ना बजाए, और सबको एक चाहे उसमें आप सोचो कि खुल्लम कह रहा है कुछ कह रहा है, अगर कोई भी डीजे वाला इस तरीके की जात बिरादरी गाने बजाता है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करवा के अपने पास रखूंगा, और फिर मेरे से ज्यादा कोई जात बिरादरी का गाने नहीं बजाएगा। और मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ इस चीज को, इस चीज का फिर मैं एप्लीकेशन चाहे मुझे कहीं भी लगानी है लगाऊंगा। बिल्कुल, उसका विरोध अच्छे से करा जाएगा, जो जात बिरादरी वो करेगा। बिल्कुल, गाने वगैरह जैसे भी बजाएगा, भोले बाबा के गाने हैं, बहुत गाने, भोले बाबा के गाने बजाओ, बिरादरी के गाने बजाना जब चाहिए, जब सपोज करो एक ही बिरादरी का कोई कैंप है। बिल्कुल, वहाँ बजाओ, जहाँ छत्तीस बिरादरी खड़े हो गए हमारा सम्मान कर रही है, वहाँ किसी बिरादरी का गाना नहीं बजाना। बिल्कुल, यही बात है, और बाकी साफ सफाई का रवि भैया पूरी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, पूरा हलवाई का सिस्टम यहाँ पे सब, अपना ट्रैक्टर ट्रोला पूरा देख सकते हो हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, झूठा बर्तन नहीं मिलेगा, मतलब ये जो जिसमें खाते डिस्पोजल ये नहीं मिलेगा हमारे पास, सब चीज का हमने एक सेट कर रखा है, डे बाय डे हम उसे फूंक देते हैं, जैसे कल जो खाया था वो आज सूख गया तो उसे फूंक दिया, आज जो खाया हो कल तक सूख जाएगा तो फूंक देते। अच्छा, ऐसा सीन है, काफी बढ़िया ध्यान भी रख रहे हैं हमारे रवि भैया, काफी अच्छे से साफ सफाई का हर चीज का। लोग कहेंगे कि धुएं से प्रदूषण हो रहा है, भाई साहब बहुत पब्लिक सिगरेट पी रही है तो मुझसे नहीं होता है प्रदूषण। बिल्कुल, ये भी बात है, इस चीज को पहले कहने से पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, और बाकी ट्रोला दिखाता हूँ मैं थोड़ा पीछे की तरफ से, तो हमारी तरफ से सब कुछ ओपन है, मोहित भाई के भी कोई छुपाया नहीं, सब कहते हैं तिरपाल ढक रखी है, कुछ नया इसके पीछे, नया कुछ नहीं भैया किसी के पीछे, सबके पीछे लकड़ी कैबिनेट, इसमें स्पीकर है, इसमें भूत बंगले कुछ स्पेशल तो बैठा नहीं है, बंदर आके स्पेशल की वो जब उगड़ेगा जब ही दिखेगा। बिल्कुल, ये तिरपाल ढक के और बातें बनानी बंद करो, और ये सी से टूट गए पी से टूट गए, झूठ बोलना बंद करो, जो बात सच है वो बताओ, अगर आपका डीजे खराब बजता है तो उसे खराब बताओ, जैसे रवि चौधरी ने पिछली बार बताया था हमारा डीजे खराब बजा तो खराब ही बताया था, अगर अब की बार भी खराब बजेगा तो खराब ही बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हमारा डीजे नंबर वन था, और अगर ये डीजे अच्छा बजेगा तो अच्छा बताएंगे, जैसा ही बजेगा ऐसा बताएंगे, अगर ये डीजे थोड़ा कम भी बजेगा हमारे लिए संतुष्ट है, हम अभी संतुष्ट है, क्यों है, क्योंकि हमने जितने रुपए दिए उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करी, अब जो बजना ना बजना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन उन बंदों से सावधान रहे जो पैसा लेते हैं बड़ी बड़ी बातें करके और फिर साउंड बजता नहीं है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, जब दुख होता है कि पैसे ले लेते हैं और मेहनत नहीं करते, इस आदमी ने मेहनत करी है, अब बजना ना बजना ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही हमारे रवि भैया ने, और बाकी साउंड दिखा देते हैं आपको पीछे की तरफ से, हमारे मोहित भाई यहाँ पे मेहनत करते हुए, और चलते हैं भाइयों, यहाँ पे टाटा खड़ी हुए देख सकते हो, और पीछे भी टाटा वगैरह खड़ी हुए, चार पांच टाटा एक साथ खड़ी हुए, और इधर साइड में देखो ट्रॉली कुछ ऐसे लुक आ रही पीछे की तरफ से, और ऊपर तिरपाल वगैरह सब कुछ ढकी जाएगी ए टू जेड, और तिरपाल वगैरह ढकने के बाद में भाइयों ये मान लो कि ऐसा बना देंगे एक तरीके से जैसे। बिल्कुल, ये रहे बाकी सारे भाई, अभी भी रात में भी काम करने में लगे पड़े, 2 बज रहे हैं रात के, मेरी घड़ी तो खैर खराब हो रही है, इसमें 4 बज रहे हैं, लेकिन 2 बज रहे हैं, 2 बजे भी सारे भाई देखो काम वगैरह करने में लगे पड़े, बिल्कुल जी जान से, जी मेहनत लगन से, बिल्कुल एकदम। और यहीं पर ही भाई लोकेशन बता देते हैं, ये भाद्राबाद का जो टोल प्लाजा है यहीं पर ही रावण डीजे बिस्ट्रक का ट्रोला खड़ा हुआ है, और बाकी सारे ट्रोले भी आगे खड़े हुए हैं, इधर की साइड में आप जाओगे तो आपको इधर साइड में ही दिख जाएंगे ट्रोले वगैरह सारे। और बाकी भाई ये ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग अगर अच्छा लगा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।